बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता नहीं नजर आ रहा है। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस भी ले लिए, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे, जिसके बाद किसानों के संगठनों ने एक बैठक की जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से 5 नाम मांगे गए हैं, लेकिन इस बीच और भी खबरें आ रही हैं। सीएनएन न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि कुछ किसानों के बीच कुछ नेता हैं जो कि समाधान चाहते ही नहीं, मामले को और उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नाम कहीं ना कहीं 5 से 12 तक जा रहा है। एमएसपी पर कमेटी की जब बात हो रही है उस पर भी, पर कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से क्या 5 नाम चुने जाएंगे जो कि अब सरकार से सीधी बात करेंगे? क्या वजह है कि ये आंदोलनकारी जो हैं इनको किसानों को वापस नहीं जाने दे रहे? वादा खिलाफी किसकी तरफ से हो रही है? अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी मांग को हम मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, कानून को वापस ले लेते हैं, उस वक्त जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने इसको कहा, तो उन्होंने कहा कि देखिए संसद का सत्र शुरू होने दीजिए, अगर सरकार वादा खिलाफी कर बैठी तो क्या होगा। सरकार ने पहले दिन ही रिपील करने की बिल लाई और उसको पास भी करा दिया दोनों सदनों में। अब भी इनको भड़काया जा रहा है, अब भी इनको कहा जा रहा है वापस मत जाओ, यहीं बैठो। अब ये गोल पोस्ट शिफ्ट करने की बात हो रही है। अब इस बीच एक और खबर आ रही है दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से, जहां किसान संगठनों के एक धड़े ने घर वापसी की तैयारी कर ली है। साथ ही कृषि सुधार कानून वापस होने के बावजूद आंदोलन पर डटे संगठनों के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। इस सिलसिले में सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी हुई और आज पंजाब के किसान जत्थेबंदियां जो है वापसी का ऐलान भी कर सकती हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, कुछ किसान नेता मौजूद हैं। ये वो किसान नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी भाग लेते हैं, हर गतिविधि में शुरू से ये आंदोलन में शामिल है। लेकिन इनका कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी के नारे पर वो साथ में जुड़े थे और अभी बिल वापसी सरकार ने कर ली है और अब ये घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ और जिस दिन तक 29 तारीख तक हम आंदोलन के साथ रहे हैं, हमेशा इस आंदोलन के हक में हमने लड़ाई लड़ी है। जितनी भी संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई उनमें मैं हमेशा सम्मिलित रहा हूँ और आज जिस तरह का एक नारा था बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आज बिल वापसी तो घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस आंदोलन में काफ़ी कुछ खोने का काम किया। मेरे किसान हित में भी काफ़ी नुकसान हुआ और मेरे दुकानदार भाइयों का जिन्होंने हमारा इस आंदोलन में साथ देने का काम किया, हमेशा साथ दिया है। तो मैं सभी से संयुक्त मोर्चे से भी एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म होना नहीं देना चाहते, जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, क्योंकि अब बिल वापसी तो घर वापसी और आगे बढ़ के हमने माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। बात का बतंगड़ ना बनाए, कई सारी जत्थेबंदियां हैं, 32 अलग अलग गुट हैं, उनमें से कई सारी जत्थेबंदियां हैं जो वापस जाना चाहती हैं। अभी हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ेंगे, पुष्पेंद्र चौधरी जी भी जुड़ेंगे और चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले जल्दी से जावेद मंसूरी के पास चलते हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और दीपक रावत सिंगू बॉर्डर पर हैं। ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? आप सबको मेरा नमस्ते सप्रेम, लेकिन पहले बताएं जावेद, ग्राउंड पर क्या हो रहा है?
गाजीपुर में मेरी मौजूदगी है और रोज की तरह यहाँ पर किसानों के मोर्चे जो है अभी भी यहाँ लगे हुए हैं। हमेशा संख्या कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार की तरफ से नाम मांगे गए हैं, 5 नाम, उसको लेकर अब किसान संगठनों के बीच ही एक तरह से मतभेद है, क्योंकि आज 40 किसान संगठनों की बैठक होनी थी जिसे रद्द कर दिया गया है। 4 तारीख को SKM की बैठक होगी। प्रबल प्रताप जी हैं, किसान नेता है। सर, अब ये बताइए कि आप 5 नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? जब सरकार ने एक किसान नेता को फोन किया है तो क्यों उन 5 नाम नहीं दे रहे हैं आप? अभी कोई भी चीज़ होती है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में आती है जी। पहले चिट्ठी हमने भेजी है रिटर्न, हाँ। तो सरकार रिटर्न पहले भेजे, अपनी मंशा स्पष्ट करे, फिर हमारी 4 तारीख को SKM, मैं SKM का मेंबर भी हूँ और मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान असली का भी, तो मैं मीटिंग्स में भी रहता हूँ, तो पहले सरकार अपना करे। 4 तारीख को हम 4 तारीख को 4 तारीख के सामने आ रहा है कि कुछ किसान संगठन वापस जाना चाहते हैं। कोई मतभेद नहीं, कहा जा रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ लोग, कौन है ये लोग? कोई मतभेद नहीं है हमारे लोगों के बीच में, हम सब एक हैं, एकताबद्ध हैं। ये सरकार का परेशान है कि वो पहले दिन से ही इस आंदोलन के खिलाफ साजिश कर रही है और MSP गारंटी कानून बनाना पड़ेगा उन्हें, उन्हें ना बनाएं इसलिए सब सारी चीज़ें, जो MSP गारंटी कानून का विरोधी होगा वो किसान विरोधी होगा, वो देश विरोधी होगा। कि अब जब कुछ किसान संगठन वापस जाना चाहते हैं, खुले तौर पर अब ये बात कही जा रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक धड़ा है जो जाना चाहता है, कुछ लोग रोकना चाहते हैं? देखिए, हम सब लोग यहाँ पर बैठने नहीं आए, यहाँ रहने कोई नहीं आया, ये सरकार ने हमें यहाँ बैठाया है। हम तो सरकार से मांग कर रहे थे, अगर पिछले ही नवंबर में ये बातें मान ली होती तो चले गए होते। ये तो सरकार के ऊपर, सरकार को हमने चिट्ठी लिखी है, चार्टर्ड और डिमांड्स लिखी है, सरकार ने उस पर क्या जवाब दिया? जवाब दे, बैठे, बातचीत करे फॉर्मली। पर ये हर बार इनकी डिमांड की लिस्ट बदलती जाती है। सबसे पहले कहा था 3 कानून रिपील करें, अब आप कहीं और अड़ रहे हैं। यही सवाल दीपक रावत के पास लिए चलते हैं। सिंघू बॉर्डर पर क्या कह रहे हैं किसान? दीपक बताइए। आनंद, यहाँ हमेशा की तरह से मीटिंग का दौर चल रहा है। कुछ किसान नेता ये कहने को तैयार हैं कि जो कृषि कानूनों के बारे में चर्चा थी, उनको वापस लेने की जो मांग थी, उसको सरकार ने मान लिया है, तो अब यहाँ बैठने की क्या जरूरत है। लेकिन कुछ किसान संगठन ये हैं कि हमारी मांगे और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर किसानों की बैठक होती है। अभी सुबह हरियाणा के किसान नेताओं की बैठक हुई और अब जो है जो पंजाब की जो जत्थेबंदियां, करीबन 32 जत्थेबंदियां हैं, उनकी बैठक की जा रही है। कि हरियाणा के किसानों की बैठक इसलिए हुई कि वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं उसको लेकर सरकार के सामने किस तरह का प्रस्ताव रखना है, अगर हरियाणा सरकार उनको बुलाती है बातचीत के लिए। और जो पंजाब के किसान हैं वो इस बात को लेकर बैठक कर रहे हैं कि 4 तारीख को जो SKM की बैठक होने जा रही है उसमें जो 5 नाम दिए जाने हैं सरकार के सामने कमेटी के लिए, वो नाम कौन कौन से होने वाले हैं। तो फिलहाल एकजुटता नहीं नजर आ रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कोई चाहता है कि वो घर चले जाएं, क्योंकि कृषि कानून जिसकी मुख्य तौर पर मांग थी उसको लेकर अब मामला शांत हो गया, खत्म हो गया, तो चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाकी जो मांगे हैं जिसमें दीपक क्या है, बात सही है। सिंघू बॉर्डर पर जब ये कहा गया सरकार की तरफ से कि उन्होंने जो विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री